दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एक बम गिराया था जिस पर लिखा हुआ था फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। आखिर इस बम के ऊपर ऐसा क्यों लिखा गया था, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दरअसल ये बात करगिल युद्ध की है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में चल रहा था। 1990 के दशक में रवीना और माधुरी दीक्षित की शख्सियत जो थी वो बुलंदियां छू रही थी। ये भारत में ही नहीं देश के बाहर भी अपना जादू बिखेर रही थी। माना जाता है कि नवाज शरीफ को रवीना टंडन काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और कारगिल युद्ध में रवीना टंडन के नाम पर भारतीय सेना की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक उपहार भेजा गया था। भेजने का कारण था, युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत को कहा था अगर मर्द हो तो अपने मरे हुए जवान को ले जाओ, नहीं तो हमें इन्हें दे दो, बस शर्त है कि तुम हमें रवीना टंडन और माधुरी दे देना। इसका जवाब भारतीय सेना ने मिसाइल पर लिखे कर भेजा, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। गौरतलब है कि यह उपहार भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को गुस्से में भेजा गया था। दरअसल यह उपहार पाकिस्तान के नवाज शरीफ की पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन से जुड़ा हुआ था। इस उपहार को पाकिस्तान भेजते समय सेना ने भारत सरकार में भी चर्चा की थी। यह गिफ्ट कुछ नहीं बल्कि एक मिसाइल वार हैंड था जिस पर अंग्रेजी में लिखा हुआ था फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ और इसके बीच में एक दिल बना दिया गया था। इस तस्वीर में एक सैनिक उस मिसाइल पर वार हेड को पाकिस्तान पर दागने के लिए ले जाते हुए नज़र आ रहेंगे। तो ये वीडियो की खास बात थी उस घटना की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।